नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आपने कहावत सुनी होगी, भाग्य से उतना ही मिलता है जितना ऊपर वाला देता है, लेकिन मेहनत से उतना मिलता है जितना आप चाहते हैं। जी हाँ भाई और बहनों, यही चाहती हैं हमारी देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें। तभी तो वो दिन भर हद से ज्यादा मेहनत करती हैं, बस यही चाहती हैं कि उनकी भी तकदीर उनके कर्मों से बदल जाए, उनकी मेहनत कामयाब हो जाए, उन्हें भी सफलता मिल जाए। पर हमारी मेहनत किसी को दिखती नहीं है, और मेहनत दिखती भी है तो नहीं दिखता कि उस मेहनत का मानदेय कितना मिल रहा है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को बजट पास होने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री जी ने देश भर की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों से क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं चाहूंगा कि एक बार हम माननीय मंत्री महोदय के उद्बोधन सुने। इस वेबिनार में उपस्थित सभी अधिकारीगण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मैं स्वागत करती हूँ। और आप लोग जिस समर्पण और लगन के साथ अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं बधाई भी देती हूँ। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ, और साथ ही वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने खुद महिला होने के नाते देश की महिलाओं की जरूरतों को समझा और बजट में उनका ध्यान भी रखा। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए बजट में महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु संचालित कार्यक्रमों के लिए 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के बजट का प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सरकार का प्रयास है कि देश की महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, महिलाओं का कौशल बढ़े, कमाई के साधन बढ़े, उनका सम्मान बढ़े और वो आत्मनिर्भर बन सके। 6 साल की उम्र तक बच्चों का मानसिक विकास लगभग 85% हो जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि माँ के गर्भ से ही बच्चे के संपूर्ण पोषण पर पूरा ध्यान दिया जाए, जो कम से कम 6 वर्ष की उम्र तक निरंतर जारी रहे। हमें खुशी है कि हम अपने कार्यक्रमों और आप सभी के निरंतर प्रयास के जरिए इस लक्ष्य को हासिल करने में काफी हद तक सफल रहे हैं, और आगे भी इसी तत्परता से इसे जारी रखेंगे। आज देश भर में संचालित लगभग 13,95,000 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत है, जहां गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, 6 साल तक उम्र के बच्चों और किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जा रहा है। महिलाओं की पोषण स्थिति 2 तरह से महत्वपूर्ण है। पहला, उनके अपने स्वास्थ्य, उत्पादकता और कल्याण के लिए, तथा दूसरा, उनके बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए। इस प्रकार महिलाओं का स्वास्थ्य सामाजिक स्वास्थ्य का आधार बनता है। इसे मान्यता देते हुए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों और किशोरियों में कुपोषण को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए अब तक 92,108 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है। हमने इन सभी आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया है। इनमें LED स्क्रीन, स्मार्ट शिक्षण सहायता सामग्री और पोषण वाटिका आदि होंगे। मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार लगभग 6,000 आंगनवाड़ी शिशु गृह पहले ही स्वीकृत कर दिए हैं, और आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। हमारा सतत प्रयास है कि बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण बाल देखरेख सुविधाएं प्रदान की जाए और कामकाजी माताओं को अपना करियर बनाने में सहायता मिले। सरकार लगातार आप लोगों की सुविधाएं बढ़ाने, कामकाज का बेहतर और सुरक्षित माहौल तैयार करने की दिशा में प्रयासरत है। हमारी आप सभी से यही अपेक्षा है
कि आप लोग जिस लगन, तत्परता और समर्पण भाव से छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों के जीवन में खुशियां भरने और उन्हें स्वस्थ और बेहतर भविष्य हासिल करने में मददगार बन रही हैं, इसे निरंतर जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।